सो ही गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की कोंडो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइज आज की वीडियो आपकी डिमांड के ऊपर मैं बना रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि भाई लैंड हमें करना सिखा दो, फास्ट लैंडिंग हमारी हो जाए, भाई बंदे पहले उतर जाते हैं और हम बाद में उतरते हैं, जिसकी वजह से भाई उन्हें गन पहले मिल जाती है एंड भाई हमारी उतरते ही वहाँ पे पेटी बन जाती है। तो ऐसे में भाई एक फास्ट लैंडिंग का होना है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखते रहना, इसमें सारी टिप्स जो है ना मैं आपको देने वाला हूँ जिससे कि आपकी लैंडिंग है ना भाई बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, फटाफट से आप नीचे उतर जाओगे, ज्यादा दूर तक आपको जाना है, ग्लाइड करना है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो मेक श्योर भाई इसको एंड तक जरूर से देखना, अभी तक लाइक नहीं किया है ना भाई तो सबसे पहले वो कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यार अगर लैंडिंग की हम बात करें ना तो सबसे पहले हमारे सामने दो चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले हमारे आ जाती है फास्ट लैंडिंग। भाई देखो सबसे पहले उतरोगे सबसे पहले तुम्हें गन मिलेगी और भाई बंदों को तुम कभी कभी तो हवा में भी उतार दोगे अगर तुम उससे पहले उतर जाते हो तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन आ जाती है। तो देखो फास्ट लैंडिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती ही होती है, लेकिन जो दूसरी सिचुएशन हमारी आ जाती है ना वो आ जाती है हमारी ग्लाइडिंग वाली। अब सपोज करो भाई आपके प्लेन पाथ से है ना आपका जो मार्क है ना जहाँ पे आपको जाना है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो भाई ऐसे में आपकी ग्लाइडिंग स्किल्स है ना भाई बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस है ना वो कवर कर पाओगे एंड इजीली भाई आप अपने डेस्टिनेशन पे अपने मार्क पे आप इजीली पहुंच पाओगे। तो भाई ये जो दो सिचुएशन है ना ये हमारे पास सामने आ जाती है अगर हम बात करें लैंडिंग की। ओके यार गाइस तो देखो फास्ट लैंड कैसे करना है वो तो मैं भी चल के आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये चीज़ है ना आप सबसे पहले कर लिया करो, जैसे आप मैच में एंटर होते हो ना तो भाई आपका जो रूट है ना वो आपको बना लेना है, जो आपका प्लेन पाथ है ना उसके ऊपर आपको एक लाइन बना देनी है जिससे कि आपको याद रहेगा कि हमारा प्लेन पाथ क्या था। और भाई इससे आपको बंदे ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, लाइक आपको पता होगा कि यार यहाँ से प्लेन गया था तो उसके आसपास ही ना बंदे हमारे ज़्यादातर लैंड करने वाले हैं, तो ऐसे में अच्छा खासा आइडिया हमें मिल जाता है कि बंदे कहाँ पे होने वाले हैं। अब सपोज करो ये वाला जो प्लेन पाथ है ना इसमें ज़्यादातर जो बंदे हैं ना भाई पोचिंग की और जॉर्ज पुल जाने वाले, रॉजोक जाने वाले, स्कूल अपार्टमेंट्स जाने वाले, तो भाई ये मुझे बाद में भी जाके याद रहेगा क्योंकि प्लेन पाथ तो थोड़ी देर में गायब हो जाता है, लेकिन ये लाइन अगर हम बना देंगे ना जो मार्क वाली जो रूट वाली लाइन हमारी होती है तो अच्छे से हमें प्लेन पाथ याद रहेगा और भाई जो कॉम्पिटिटिव बंदे खेलते हैं ना उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइस अभी बात करें अगर लैंडिंग की तो यहाँ पे मुझे उतरना है जॉर्ज पुल और अच्छा खासा दूर भी अभी जॉर्ज पुल, तो आपको करना कुछ नहीं आपका जो फेस है ना आपका जो कैमरा एंगल है वो आपको कर लेना अपने डेस्टिनेशन की साइड। तो यहाँ पे भाई मैंने डेस्टिनेशन की साइड अपना मूव कर लिया है और ऐसे आपको नहीं रखना है, आपका जो फेस है ना भाई वो एकदम ऊपर हो जाना चाहिए जैसे कि मैंने कर लिया है, यहाँ पे कैमरा एंगल आपको ऊपर कर लेना है एंड देन आपको देखना है अगर नीचे कि आपका डायरेक्शन सही है या नहीं। तो यहाँ पे मेरी तरह आप आई बटन यूज कर सकते हो या फिर आप मैप भी यूज कर सकते हो, तो मैप में भी देखो अच्छा खासा आइडिया हमें मिल जाएगा कि लैंड हमें कहाँ पे होना है, कहाँ पे हम एग्जैक्टली जा रहे हैं। और आई बटन का आप यूज करोगे ना तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, बंदे भी आराम से स्पॉट कर पाओगे, अपने आगे पीछे बंदे देख पाओगे इजीली, तो ये वाली जो चीज है ना मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। एंड जैसे भाई आप डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते हो फट से भाई आपको अपना फेस है ना नीचे की साइड कर देना है एंड इजीली भाई आप यहाँ पे देखो सबसे पहले उतर चुके हो और कोई भी बंदा आपसे पहले उतर नहीं पाएगा यहाँ पे। एंड गाइज आपका मार्क है ना बहुत ही ज्यादा दूर है, वैसे तो ये भी अच्छा खासा दूर था लेकिन इससे भी ज्यादा दूर है ना, तो भाई आपको जो अपना कैमरा एंगल है ना वो ज्यादातर ऐसा ही रखना है, लाइक आपको जितना हो सके ना भाई इतना ज्यादा आपको ऊपर रखना है अपना एंगल जो है कैमरे का एंड इजीली आप वहां पे पहुंच जाओगे। और भाई जैसे आप उतरने वाले हो ना उससे पहले आपको पैराशूट खोल देना है, तो पैराशूट खोलते ही भाई आपको ऐसा नहीं कि जॉयस्टिक आप नीचे करते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जॉयस्टिक को भाई आपको छेड़ना भी नहीं है, थोड़ा सा हल्के से आगे करते रहना है एंड इजीली भाई आप है ना बहुत ज्यादा दूर तक है ना पैराशूट की मदद से भी ग्लाइड कर जाओगे और इजीली भाई आप बहुत ज्यादा दूर भी ट्रैवल कर सकते हो उससे। एंड गाइस यहां पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका मार्क बहुत ज्यादा दूर है तो आपको ज्यादा देर तक कैसे हवा में लटके रहना है, उड़ के कैसे जाना है, आपको ज्यादा देर तक ग्लाइड कैसे करना है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं फास्ट लैंडिंग कैसे करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा तेजी से कैसे उतरना है, कितने की स्पीड आपकी होनी चाहिए अगर आप उतर रहे हो कोई जगह पे। एंड गाइस देखो फास्ट लैंड अगर करना है ना तो सबसे पहले आपकी डेस्टिनेशन और आप में जो दूरी होनी चाहिए ना भाई वो होनी चाहिए 1000 मीटर से कम, 1000 मीटर से ऊपर होगी ना तो भाई ज्यादा दिक्कत हो सकती है, 1000 मीटर से कम होनी चाहिए। एंड भाई जैसे ही आपकी डेस्टिनेशन के आप 1000 मीटर पहुंच जाते हो तो आपको जंप कर देनी है एंड जंप करते टाइम याद रखना कि आपकी जो जॉयस्टिक है ना, तो यहाँ पे मेरी जॉयस्टिक अभी देख सकते हो मैंने ऊपर की साइड कौन सा एंगल पे कर रखी है, तो राइट साइड में आपको थोड़ा सा ऊपर करना है उसको और एंगल भी भाई आपको हमेशा यही रखना है। तो भाई इजीली आप है ना 135 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ना भाई यहाँ पे वो अचीव कर लोगे एंड उससे तेजी से भाई इसमें उतर भी नहीं सकते हैं, तो वही हाईएस्ट जो है ना हमारे सामने आ जाती है तो इसी स्पीड से आपको उतरना पड़ेगा एंड तब जाके भाई आप इजीली है ना सबसे पहले लैंड कर पाओगे, सबसे पहले गन भी आप ले पाओगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया है, मैं फर्स्ट भाई यहाँ पे सबसे पहले उतर गया हूँ एंड इजीली भाई मैं लूट वगैरह कर सकता हूँ, इजीली बंदों को यहाँ से टारगेट में कर सकता हूँ। सो या गाइस यार ये थी वीडियो हमारी लैंडिंग के ऊपर, आई गेस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि फास्ट लैंडिंग आपको कैसे करनी है, ज्यादा दूर तक आपको कैसे ग्लाइड करके जाना है। एंड भाई कोई भी डाउट रह गया हो ना तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना एंड उसका जवाब में हो सकेगा ना तो वहां पे देने की ट्राई कर लूंगा। बाकी वीडियो अभी तक
तक देख रहे हो तो लाइक जरूर से कर देना अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। अलग स्क्वाड है मेरे भाई, अलग स्क्वाड है, हील करो, मैं कवर दूंगा इधर से रुक। ओए बने स्पी, वॉच आउट, चल इन पे चलते हैं आधा। सारे समय इजी मिलेगा, इजी कवर मिलेगा। अरे पर यार हमारी तरफ से फाइट भी तो नहीं ले।